थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। आपने अभी जो भारत के बारे में कहा, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और सरदार पटेल को श्रद्धापूर्वक याद किया, भारत के लोगों के सामर्थ्य, उपलब्धियां और संस्कृति के बारे में कहा, मेरे बारे में भी बहुत कुछ कहा। मैं इसके लिए प्रत्येक भारतवासी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया है, बल्कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को भी सम्मान दिया है। मिस्टर प्रेसिडेंट, जहां से आपने भारतीयों को संबोधित किया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। खेल संबंधित कुछ सुविधाएं यहां अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर भी आपका यहां आना खेल जगत से जुड़े हर व्यक्ति को भी उत्साहित करेगा। मैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का भी धन्यवाद करता हूं, उन्होंने ये शानदार वेन्यू इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया। हो सकता है इससे उनके कंप्लीशन टाइम टेबल में कुछ परिवर्तन आया हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसे मेकअप कर लेंगे। साथियों, दो व्यक्ति हो या दो देशों के संबंध, उसका सबसे बड़ा आधार होता है विश्वास, एक दूसरे पर ट्रस्ट। हमारे यहां कहा भी गया है, तन्मित्रम यत्र विश्वासः, यानी फ्रेंडशिप इज वेयर ट्रस्ट इज अनशेकेबल। पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच विश्वास जिस नई ऊंचाई पर पहुंचा है, जितना मजबूत हुआ है, वह ऐतिहासिक है। अमेरिका की अपनी यात्राओं में मैंने इस विश्वास को दिनों दिन मजबूत होते देखा है। मुझे याद है जब मैं वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से पहली बार मिला था, तो उन्होंने मुझे कहा था, इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन द व्हाइट हाउस। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के प्रति अपने इस विशेष प्यार को हमेशा प्रदर्शित किया है। जैसा आपने जिक्र किया, जब व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है, तो अमेरिका में रहने वाले 40 लाख भारतीय भी अमेरिका की समृद्धि और प्रगति के सहयात्री होने पर गर्व महसूस करते हैं। साथियों, अमेरिका की तरह ही आज भारत में भी परिवर्तन के लिए अभूतपूर्व अधीरता है। आज 130 करोड़ भारतवासी मिलकर न्यू इंडिया का निर्माण कर रहे हैं। हमारी युवा शक्ति एस्पिरेशन से भरी पड़ी हुई है। बड़े लक्ष्य रखना, उन्हें प्राप्त करना आज न्यू इंडिया की पहचान बन रहा है। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ही नहीं है, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम भी चला रहा है। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क ही नहीं बना, लेकिन आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन प्रोग्राम भी चल रहा है। आज भारत एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं बनाता रहा, आज भारत सबसे तेज फाइनेंशियल इंक्लूजन करके भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। 21वीं सदी में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर सोशल सेक्टर, हम ग्लोबल बेंचमार्क को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बीते कुछ समय में भारत ने न सिर्फ 1500 पुराने कानून खत्म किए हैं, बल्कि समाज को सशक्त करने के लिए नए कानून भी बनाए हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए अधिकार हो, 3 तलाक के खिलाफ
कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं का सम्मान हो, दिव्यांग जनों को प्राथमिकता देना हो, महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान 26 हफ्ते की पेड मैटरनरी लीव का प्रावधान हो, ऐसे कई अधिकार हमने समाज में अलग अलग वर्गों के लिए सुनिश्चित किए हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि भारत में हो रहे इन परिवर्तनों के बीच आज अमेरिका भारत का एक भरोसेमंद पार्टनर बना है। आज जो देश भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है तो वो देश है अमेरिका। आज भारत की सेनाएं जिस देश के साथ सबसे ज्यादा युद्ध अभ्यास कर रही है तो वो देश है अमेरिका। आज जिस देश के साथ भारत की सबसे व्यापक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप है तो वो देश है अमेरिका। आज चाहे डिफेंस हो, एनर्जी सेक्टर हो, हेल्थ हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में हमारी रिलेशनशिप का दायरा निरंतर बढ़ रहा है। साथियों, 21वीं सदी के इस दशक में न्यू इंडिया रिसर्जेंट अमेरिका के लिए भी अनेक नई संभावनाएं, अनेक नए अवसर लेकर के आया है। विकास के हर क्षेत्र में दोनों ही देशों के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होना अमेरिका के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में भारत में डिजिटल इकोनॉमी का विस्तार अमेरिका के लिए भी निवेश के अनेक मौके बनाएगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, बीते दशकों में डिजिटल इकोनॉमी में भारत और अमेरिका के संबंधों को शेप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय टैलेंट और अमेरिकी टेक्नोलॉजी ने इस क्षेत्र को नई लीडरशिप दी है और मैं मानता हूं 21वीं सदी में भारत और अमेरिका मिलकर इस डिजिटल युग का, इंडस्ट्री 4.0 का नेतृत्व करने के लिए समर्थ है। साथियों, 21वीं सदी में नए अलाइनमेंट, नए कंपटीशन, नए चैलेंजेस और नई अपॉर्चुनिटीज, बदलाव की नींव रख रहे हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका के संबंध और सहयोग की 21वीं सदी के विश्व की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मेरा स्पष्ट मत है कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पीस, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। आतंकवाद को हराने में अमेरिका के कमिटमेंट और प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप मानवता की सेवा की है और इसलिए मैं मानता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे विलक्षण नेता और भारत के अनन्य मित्र का इस दशक की शुरुआत में ही भारत आना एक बहुत बड़ा अवसर है। बीते समय में भारत अमेरिकी संबंधों को सशक्त करने की जो शुरुआत हमने की है, अब उनकी इस विजिट से उसका अगला फेज शुरू हो रहा है। हम एक लॉन्ग टर्म विजन से इंस्पायर्ड है, सिर्फ शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन से नहीं। हमारे बायलेटरल रिलेशंस ग्रो करेंगे, हमारी इकोनॉमी पार्टनरशिप का विस्तार होगा, हमारा डिजिटल कोऑपरेशन बढ़ेगा और मुझे विश्वास है कि हम नई ऊंचाइयों को पार करते हुए भारत जिन सपनों को लेकर के चला है, अमेरिका जिन सपनों को लेकर के चला है, हम मिलकर के उन सपनों को पूरा करेंगे। आज मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनके पूरी परिवार का मुझे स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला है। मैं फिर एक बार नमस्ते ट्रंप का इस नाद को गूंजते हुए आप सबसे आग्रह करूंगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव।
India-US friendship. India-US friendship. बहुत-बहुत धन्यवाद.